गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक, बुक, अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। चैप्टर हमारा चल रहा था वैदिक मैथमेटिक्स, इसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। अब हम करेंगे आज जो 4.2 का जो एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, वो हम करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला कर रहे थे हम, एकाधिक है ना, पूर्वेना एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 10th है आपका। ये मैं स्टेप के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 1500 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 785, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो आपको पूरा क्लियर दिख रहा है बोर्ड अच्छी तरीके से, एक एक चीज, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे कि मैं जीरो में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा, 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता किसमें से, जीरो में से। तो मैं यहां लिखूंगा 5 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फाइव कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो, सो वी एड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 5। इसीलिए हम 5 का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे। 5 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री इज 5। 5 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इज 5। वो 5 में किसमें ऐड करूंगा, 2 ऊपर वाले 5 में, ठीक है। तो देखो अब मैं सेकंड स्टेप में इसका आंसर लिख रहा हूं। देखो 0 में से 5 नहीं गया तो मैंने क्या करा, 5 का कॉम्प्लीमेंट लिया। इस नीचे वाले का 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5, ठीक है। तो अब 5 इसका कॉम्प्लीमेंट होता है 5, उस 5 को मैंने किसमें प्लस किया, ऊपर वाले नंबर में, तो क्या आया 5। तो 5 और 0 5 होता है, ठीक है। कैसे, ये 5 कहां से आया, इसका तो कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 और 0 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पुट एकाधिकन मार्क, पुट पुट एकाधिक ना मार्क ऑन 8, पुट एकाधिक ना मार्क ऑन 8, 8 क्या बन गया 9, 8 क्या बन गया 9। अब वही वापस होगा अगेन, अगेन 9, अगेन 9 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0, so we add complementary
सो वी हैड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट डिजिट ऑफ 9 इज 1. इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, अगेन 9 कैनॉट बी सब्ट्रैक्टेड. देखो मैंने क्या लिखा, अगेन 9 कैनॉट बी सब्ट्रैक्टेड. अब मैं इसको 9 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर एकाधिकार लगा है, तो अगेन 9 कैनॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0. सो वी एड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 9 इज 1. 9 का क्या है 1, किसमें ऐड करूंगा 2, 0 में, इस 0 में ऐड करूंगा. तो फिफ्थ स्टेप में मैं लिख रहा हूं, चलो फिफ्थ स्टेप में नहीं लिख रहा हूं, पहले आप इसको लिख ले, कॉपी कर ले अपने नोटबुक में, फटाफट रफ नोटबुक में इसको कॉपी कर ले, इसके बाद में मैं आगे के स्टेप लिखूंगा. तो आप आराम से इसको पहले लिखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो बढ़ते हैं हम आगे. तो आप कर लिया होगा, देखो मैंने क्या लिखा, अब देखो 9 का कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या लिया, 9 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, 1 को 0 में प्लस किया तो क्या आया 1, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं 1, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, पुट एकाधिक है ना मार्क, पुट एकाधिक है ना फोर है ना मार्क ऑन 7, ठीक है. तो लिखो put put एकाधिक है ना mark on 7. जब 7 पे एकाधिक है लगा तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो वही वापस अगेन मतलब दोबारा जो 8 ये जो 7 है इसको मैं 8 बोल रहा हूं, ठीक है. अगेन 8 कैन नॉट बी अगेन 8 cannot be subtracted from 5, so we add complementary digit so we add complementary digit of 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इज 2. 2 किसमें जोड़ना है 5 में, ठीक है. तो जोड़ते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, देखो 7 का 8 का कॉम्प्लीमेंट दिया 2, 2 को मैंने 5 में प्लस किया तो क्या आया 7, तो 5 और 2 7, ठीक है. यहां कुछ भी नहीं है तो बताओ क्या लिखेंगे,
पुट एकाधिका ना मार्क ऑन जीरो, कुछ भी नहीं है इसका मतलब जीरो तो ही है, तो मैं वापस लिखूंगा, पहले आप इसको लिखो, कॉपी करो, कुछ नहीं था तो मैंने जीरो डाल दिया, पहले आप इसको लिखो, फिर मैं दो स्टेप और लिखता हूं, तो ये कॉपी करें आप, इसमें दो स्टेप लेस, जो एक स्टेप बचा है, दो स्टेप और बचे हैं, उसके बाद में अपना ये फिनिश हो जाएगा, लगभग सारे रिपीट होता है स्टेप्स। चलो लिखते हैं हम आगे, टेंथ स्टेप है आपका, पुट पुट एकाधे कहना मार्क ऑन जीरो, जब मैं जीरो पे लगाऊंगा एकाधिक एन तो जीरो क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, तो इलेवेंथ स्टेप होगा, तो ये अगर वन बन गया तो वन में से वन गया आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अब ये जो आपका टेंथ क्वेश्चन है अब कंप्लीट हुआ है, कितने स्टेप में पूरा हुआ है, इलेवेंथ स्टेप में पूरा हुआ है, तो अब आप इसको कॉपी करो, इसमें कितने स्टेप लगे हैं, इलेवेंथ स्टेप है, पर इलेवेंथ स्टेप में क्या है, सारे लगभग स्टेप तो दो ही है, थ्री स्टेप्स है, बाकी सारे क्या है उसके रिपीट है। तो आप सभी ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, तो अब ये आज हमारी एक्सरसाइज है 4.2 फिनिश होती है, तो इसमें सारे क्वेश्चन भी फिनिश हो चुके हैं, तो मैं होमवर्क के लिए आपको क्या करूंगा, अब आपको 4.2 में एकाधिक है ना पूर्वेना और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट वाले जितने भी है आपको स्टेप लर्न होने चाहिए, कैसी आपको लैंग्वेज में इसको लिखना है, तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, ये स्टेप्स लर्न करने हैं, भाई आपको कैसे उसको वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज अपनी क्लास फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।